वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे थे, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इस रात को 9 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने साइंस के 5 मिनट्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ज्योग्राफी के सॉल्व हो चुके हैं, हिस्ट्री के भी और पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जिसमें टॉप 500 MCQs और सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आप UPSC से रिलेटेड UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RO AROD एग्ज़ाम देने वाले हैं, BEO की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें भी GS के ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उन सभी के प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्सेज की जानकारी वहां पर दी गई है। आप जिस भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हुए, आपको डेमो भी दिया गया उसमें, उसको देखते हुए ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF नोट्स है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेज क्विज है, टेस्ट सीरीज है जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करती है। आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न को देखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा ज्ञान सर का, 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए जितना भी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है वो सब दिया गया है कोर्स में। आप बिना देर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के संबंध में गलत कथन का चयन करें। सारे कथन देख लीजिए। पहला है, इसने भारत को संप्रभु राज्य घोषित किया। सेकेंड है, इसने भारत के गवर्नर जनरल को संवैधानिक अर्थात नाम मात्र के प्रमुख के रूप में नामित किया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनको देख करके सही उत्तर का चयन कीजिए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ना तो पहला कथन गलत है ना ही दूसरा, अर्थात दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 207th क्वेश्चन है, संविधान में आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही दिए गए हैं। स्टेटमेंट देख लीजिए सारे, या शक्तियाँ जर्मनी संविधान से प्रभावित थी, और सेकेंड स्टेटमेंट है, या संविधान की एकात्मक विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे देख करके चूज करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। जो आपातकालीन प्रावधान है वो जर्मन संविधान से प्रभावित हैं और यह संविधान की एकात्मक विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन सी इस करेक्ट। आज के सेट का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है राष्ट्रीय गीत, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय गान, या फिर ऑप्शन डी है दोनों, बी और सी अर्थात राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान दोनों। इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी। इसमें नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम दोनों का ही उल्लेख किया गया है आर्टिकल 51A में, जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके अलावा आपको याद ये रखना है कि ये भाग 4A में आते हैं। 209th क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत स्पीकर डिप्टी स्पीकर को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा देता है। ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन बी है 94, ऑप्शन सी है 96 और ऑप्शन डी है 99। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 94 के तहत स्पीकर डिप्टी स्पीकर को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा देते हैं। तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देते हैं अपने पद से इस्तीफा, और जो डिप्टी स्पीकर हैं वो स्पीकर को देते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गलत कथन का चयन कीजिए। सारे कथन देख लीजिए फिर बताना है कौन सा कथन इनमें से गलत है। पहला है, राज्यसभा के उपसभापति का पद संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत सृजित किया गया है। द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 89 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड स्टेटमेंट है, श्री हरिवंश राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हैं। इसमें से देख लीजिए कौन से ऑप्शंस करेक्ट दिए गए हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी, ना तो पहला गलत है ना तो दूसरा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैव बीन अरेंज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है हमारे उद्देशिका में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए है लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन बी है अध्यक्षात्मक, ऑप्शन सी है संसदात्मक या फिर ऑप्शन डी है अर्धलोकतंत्रात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे भारत के संविधान में, ऑप्शन सी करेक्ट है। 213th क्वेश्चन है, संसदात्मक व्यवस्था में पार्लियामेंट्री गवर्नेंस में क्या क्या हो सकता है? ऑप्शन देख लीजिए, इनमें से बताना है करेक्ट ऑप्शन। न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, बी है कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, ऑप्शन सी कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है या फिर ऑप्शन डी है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, द लेजिस्लेचर हैज़ कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। 214th क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी है कैबिनेट में, ऑप्शन सी है व्यवस्थापिका में या ऑप्शन डी है उच्च सदन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है भारतीय संविधान से, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री से और ऑप्शन डी है भारत की संसद से। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। अगले प्रश्न में भारतीय संविधान के बारे में पूछा गया है, इसकी प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए है कठोर है, रिजिड है, ऑप्शन बी है लचीला फ्लेक्सिबल है, ऑप्शन सी ना ही कठोर है ना ही लचीला और ऑप्शन डी अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन डी होगा, पार्शियली रिजिड है और पार्शियली फ्लेक्सिबल भी है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित होती है, ये किसमें है? ऑप्शन ए है संसद में, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद या ऑप्शन डी है राज्य पुनर्गठन आयोग में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नए राज्यों के गठन से संबंधित जो भी शक्ति है वो संसद के पास निहित होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है और ये पार्ट वन में दिया गया है। जो भी बच्चे दोपहर वाली क्लास देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर पाएंगे, क्योंकि दोपहर वाली क्लास भी पॉलिटी की ही चल रही है, उसको फॉलो करेंगे तो ये सारे प्रश्न आप इजीली हल कर पाएंगे। 218th क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? ऑप्शन ए है राज्यों का समूह, ऑप्शन बी है राज्यों का फेडरेशन है, ऑप्शन सी है राज्यों का कन्फेडरेशन है या ऑप्शन डी है राज्यों का यूनियन है। इसका सही उत्तर है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। 219th क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें अर्थात कितने स्थान आरक्षित हैं? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 30 या ऑप्शन डी है कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन ए 20, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित की गई हैं। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। सारे कथन देख लीजिए, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल को केवल लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से रद्द किया जा सकता है। सेकेंड है जब स्पीकर को आपातकाल की समाप्ति के संबंध में एक लिखित सूचना प्राप्त हो जाती है तो 30 दिनों के भीतर एक विशेष बैठक अनिवार्य रूप से बुलाई जानी चाहिए। ऑप्शन देख करके सही उत्तर का चयन करना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो पहला ही सही है और ना तो दूसरा ही स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए 34th, ऑप्शन बी है 35th, ऑप्शन सी है 36th और ऑप्शन डी है 37th। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 36th अमेंडमेंट लाया गया था जिससे भारत संघ में सिक्किम को एक राज्य के रूप में शामिल किया गया। 222वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा महिला और बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी है 1986,
ऑप्शन सी है 1987 और ऑप्शन डी है 1988। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2006। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी 1959 और ऑप्शन डी 1962। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955 में। 224वां प्रश्न है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया। ऑप्शन ए 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां, ऑप्शन सी है 44वां और ऑप्शन डी है 36वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा संशोधन किया गया और भारत के वर्णन को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदला और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल गया। इसके जरिए से कुछ शब्द जोड़े गए थे हमारी प्रस्तावना में और भी संशोधन किए गए, वो मैं अपनी जो क्लास, वो जो दोपहर वाली क्लास चल रही है उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप वो क्लास भी फॉलो करते रहें, आपके लिए बेटर साबित होगी। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और किसके द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के दोनों सदन जब कोई विधेयक पारित करते हैं तो राष्ट्रपति की सहमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन डी राइट है। ये हो गए आज के पॉलिटी के क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन क्लासेस की आपको PDF चाहिए या अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करके 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ऐप से कोर्स परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। जो भी बच्चे UP पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने कोर्स को मात्र 100 रुपये में परचेज कर सकते हैं। ज् ञान सर एजुकेशन ऐप में आप जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसमें आप जब जाएंगे तो देखेंगे आपको अपना कोर्स मिल जाएगा और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। इतने कम प्राइस में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि ज्ञान सर कूपन कोड है जिसको अप्लाई करके आपको तुरंत 50% का डिस्काउंट मिलेगा। योगी कोर्स से रिलेटेड जानकारी, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।